सबसे पहले जितने भी हसनपुरा नगर पंचायत के जितने भी जनता है उनको बहुत 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 धन्यवाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारा जो हसनपुरा है उसका बहुत सारा भाग जो है नगर पंचायत में घोषित हो गया है। और उसके साथ साथ इस हसनपुरा नगर पंचायत को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद पंचायत के स्तर पर नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी नगर पंचायत हो गया है तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शहर को मिल रहा था अब जो है हमारे हसनपुरा नगर पंचायत को मिलेगा। आप पत्रकार हैं, क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? जाहिर सी बात है, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है, तो जमीन से जो भी जुड़ा हुआ आदमी रहता है उनको जो है पहले से पता होता है कि कितना जो है जन समस्या है, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़मीन पे जाते हैं और जितने भी जन समस्याएं हैं उसको जो है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से हमेशा उठाते रहते हैं। तो अगर मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैं अगर वार्ड नंबर 9 में अगर एक वार्ड पार्षद के रूप में चुना जाता हूँ तो मेरी जितनी भी भूमिका रहेगी, जितने भी समस्याएं रहेंगी उसको जो मैं है पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 9 की बात करें तो वहां पे बहुत सारा समस्या से अवगत है आप? हाँ, बहुत सारी समस्या है, जैसे कि अगर नाली को ले लें तो कहीं भी जो है नाली है लेकिन जो है पानी का जो है निकास है वो नहीं हो पाता है। रोड जो है जो कनेक्टिंग रोड है मेन रोड से वो सारे का सारा जो रोड है वो जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, और इसमें एक छोटका टरीला है जो पूरी तरह से जो है पिछड़े जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो भी जन समस्याएं हैं रोड की, नाली की, बिजली की, पानी की, सारी समस्याओं को जो है दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे? यही कोशिश अपील रहेगा कि अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं पूरी जो है अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नाम और वार्ड नंबर बताएं। मेरा नाम स्वराज कुमार है और विक्की कुमार, वार्ड नंबर 9 हसनपुरा नगर पंचायत।